हाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोग के सभी के प्यार से। तो कर रही हूँ दिन की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे से। 8:30 बजे से सब्जी रख दी है चूल्हे में, आज चूल्हे में बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद चूल्हे में बना रही हूँ। चने भिगाए थे, चने की सब्जी रखी है जो कि दोनों टाइम का हो जाएगा, सुबह का भी दिन का भी। और नाश्ते में बनाने की तैयारी हो गई है, आटा गूंद दिया है, रोटी बनाती हूँ। और मेरा गुड्डा राजा धो रहा है आज, इस तरीके से बर्तन दिखाती हूँ कैसे धो रहा है। ये इनको लगा दिया मैंने सुबह से ही ड्यूटी में। मैंने कौन सा डब्बा धो रहा है, मैंने ये तौलिया क्यों लगाया है, पानी लगाता हूँ, ये सामने के चीजें आते हैं, मेरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर और ये थोड़ा मैंने ये डब्बे में जो सामान रखती हूँ वो डब्बा धो एक रखा है, वो ये डब्बा धो रहा है ये। और जला लपेट के खाती हूँ। और बेटी मेरी लग गया झाड़ू लड़की का, हाँ लग गया, आ गई। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं चूल्हे में बना रही हूँ सब्जी, चूल्हे में रखी है मैंने सब्जी। आज मैं जा रही हूँ माइके क्यों जा रही हूँ ये रीज़न मैं वहीं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है? और कौन कौन आ रहे हैं, अगर सभी बहनें आ रही होंगी तो जाऊंगी, ऐसा नहीं है, जाना ज़रूरी है। सभी बहनें आ रही होंगी तो ज़रूर जाऊंगी, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि बहनें जब आती हैं तो वहीं जाने में तब ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले में खास मज़ा नहीं आ पाता है। तो अगर मेरी बहनें लोग आ रही होंगी तो मैं भी ज़रूर जाऊँगी। अभी मेला भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्या पता वो मेला भी जा रही होंगी, तो शायद अगर वो लोग मेला जा रही होंगी तो उनके साथ मैं भी मेला चले जाऊँ, नहीं तो सिर्फ माइके तक का टूरिंग है। तो आज जाती हूँ मैं माइके को। तो हम आदि को छोड़ के जा रहे हैं मामा के घर, आदि आ रखा है अभी ट्यूशन से। देखो गाइस, मुझे टीशर्ट बहुत अच्छी लगती है, देखो कि मस्त है, कच्चे में आ गया, इतनी गर्मी आ गई, लड़का भी से कच्चे में आ गया, धूप हो रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, चलते हैं हम चक्रपुर को, मुझे छोड़ कर। ये गुस्सा होके बैठी है हमारी यहाँ पर, ये पुंथरू है ना, गुस्सा हुई है ना, ढोक भी नहीं दे रही बुआ को, देखो। चलो तुम ही खाना फिर, हाँ ईसू को ही दूंगी जो लाई हूँ। प्रणाम नहीं कर रही है, हैं हैं, जल्दी आ। जब आप नहीं बोलिए हम तो मामा के घर जाना है, जब आप लोग ना घर को जाओगे तो इसको छोड़ देना। अरे मामा के घर जाने के लिए हो रखी है ये डेडी, पता कहाँ जाने के लिए तैयार हो रखी है, मामा के घर नहीं छोड़ने पापा, साइकिल में जा करें अपने आप ही, साइकिल में जा फिर अपने आप ही मठू मठा। यहाँ बुआ आई है, अब क्या जाएगी मेल, अब तो नहीं जाएगी, अब तो इसकी बुआ ही आ गई है। क्यों? पहले बता मेरे को छोड़ के जाएगी, जो आप जाओगे तो मेरे को छोड़ देना, ठीक है? हाँ मोटू, ये कह रही है कि जब आप जाओगे मुझे भी छोड़ देना। कहाँ इसका? ओ वहाँ पर रस्ते में, ठीक है? अब नहीं जा रही ना, कैंसिल ना, ये देखिए ये देखिए, आते आते जलेबी खा दिए, अपने आप फाड़ फूड़ के निकाल दिया हमारे किट्टू ने जलेबी, कैसी हो रही है बता तो। मैंने नाना के कमरे का इतना ताला भी खोल दिया चाबी से। चल फिर चलते हैं। और ये हमारे रोनू जी खाना खा रहे हैं भात, और ये क्या देख रहा है बता दे तो, ये कुछ देख रहा है। सौरभ, सब सौरभ के फैन है, छोटे सौरभ जैसी ब्लॉग देख रहा है। ये क्या है, किसका ये? उसी का। तो चल फिर, मेला आ रहा है, मेला आ रहा है, आ रहा है, चल फिर हम तो जा रहे हैं। हाँ अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं, हम तेरे से पूछ ही नहीं रहे हैं, मेला आ रहा है नहीं आ रहा करके। चल फिर पूछता, पूछ फिर। अरे एक फोटो दिखाती हूँ आप लोगों को, बनाइए इनकी फोटो, ये सारी मुँह क्या कहते हैं फोटो से, फोटो बना रखी है, बड़ा फ्रेम बना रखा है, एक ये बना रखी है यहाँ पर। ये भी खाने में लगी हुई है भत्तू, ये भी लग गया इसमें खाने में, वाह वाह बेटा, वाह 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 वाह। अरे हमारा छोटा सा बाबू निन्नू निन्नू कर रखा है ये राजवीर ने हमारा कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है। आ गया इसके प्रोजेक्ट के मालिक साहब, आ गया, कितना अच्छा बना रखा है प्रोजेक्ट। अरे बंद तो रहा है, पानी गिर गया, बनाया नहीं है तो।
शुरुआत तो कर रखी है, कब तक बना पाएगा पूरा? क्या क्या इसके बारे में बता, क्या क्या है ये? सिटी लाइफ है। क्या क्या कहाँ से क्या क्या है सब बता इसके बारे में फिर। ये हॉस्पिटल है, ये मॉल है, ये एम्बुलेंस है, इसमें टायर लगेंगे। अच्छा। और ये कॉम्प्लेक्स है और स्टॉल है, और यहाँ पर कार स्टॉल। अच्छा, और यहाँ पर हाउस वाला एरिया है, यहाँ पर सब रहते हैं। यहाँ पर डॉग हाउस है, डॉग रखानी है। और यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर प्ले ग्राउंड है। ये हमारे रोनियों ने बना रखा है। कब जमा करना है स्कूल में? कल। कल भी लग। अब तू मेले जा रहा है, फिर कब जमा करेगा? ये कलर अच्छे से नहीं हुआ ना, लेकिन फिर अच्छे से करता। कार्डबोर्ड लगाऊंगा ना। कब लगाएगा फिर? अभी तो समय है तेरे को। रात को लगाऊंगा। कल इसको स्कूल में जमा करना है प्रोजेक्ट। 11 बजे तक बन जाएगा। रात को और यहाँ पे नीतू दी और जो भात आप खाने लग गए हैं। जिया जी। हाँ जी। यहाँ को देखिए। अच्छा जी। अच्छा जी। हेलो। हेलो, किसको बोल रहे हो? भात को। गाइज को बोलो इधर। हेलो। और ये मेरा बड़ा भाई है, सबसे बड़ा वाला भाई उमेद दा। हेलो तो बोल फिर। हेलो। चलो बोल। चल, इसका पापा है ये, मेरे से बड़ा वाला दादा है ये, इसका पापा राजवीर का। दिखा। देख। और ये हमारा नरू, नरू का लड़का। सब मेले जा रहे हैं हम। चल मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो गाइस, मेले जाने का कोई प्लान नहीं था, इनके वजह से हमें मेले जाना पड़ रहा है। इनके ये हमारे नहले पे दहले और हमारे लिए अपने पापा से पैसे मांग मांग के ला रहे। मैं तो नहीं लाई थी पैसे, ये और ये अपने पापा से पैसे मांग के लाए हैं। बुआ लोग के साथ मेले घूमेंगे करके, इनके बारे हमारे भी मजे आ गए है ना। वहीं पे थोड़ा निकाल काका। तो जा रही है? दो किलो दिए थे, कब लिए? बन जा रही हो क्या आप? इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया। क्यों? हाँ, अली बच्ची ने आप झूले में टाइम हो गया था। यहाँ रास्ते में खाने लग गए थे। यहाँ देख, जलेबी डिक्की। चोर चोर चोर। रास्ते में ही बैठ गए मेले से आके। अंदर में नहीं रहोगी? लोकल माल आता है ना। कैसा बता है? क्या क्या लाई है तू? हे भगवान, कलर भी ला रखी है ये। हे भगवान, इसकी पापा की दुकान में दुनिया भर का मिलता है, यहाँ से ला रखी है कलर। ये पुराने टाइप करे। हाँ, पहले आते थे ऐसे फुलाने फेंकने वाला ना। ये पेन भी ला रखी है। हे भगवान। हेलो गाइज, पहुंच चुकी हूँ मैं घर पे। मेरा बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है, वेटिंग पे था, फोन चलाने की वेटिंग पे। आके थक गई है बहुत ज्यादा। टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम कितना हो रहा है? टाइम फोन में देख लेंगे हम। 4:15 हो रहा है। 4:15 हो रहा है। ऐसे क्या लाई हूँ? काला अंगूर लाई है? नहीं लाई, काला अंगूर नहीं, सफ़ेद अंगूर लाई हूँ। नीतू दी ने दिलाए थे, वो बोला था बच्चों के लिए ले जा ले। तो जलेबी लाई है? 1 kg नीतू दी ने लिया, 1 kg मैंने लिया, मेरे लिए लिया मतलब उसने। और 1/2 kg मैं जलेबी लाई हूँ बस, हो गया। और कुछ नहीं लिया मैंने मेले से।
चुकी है, मेरे मोटू तो खाने भी लग गए जलेबी। दिखाओ तो इनको, मैं भी लेके आता हूँ मेले की जलेबी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ। मेरा मुंह देख के बोलते रहते हैं पति मेरा पता नहीं क्या है। पापा का इंट्रो कैसा रहता है हमेशा, चाहे देखो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हूँ और मस्त। ऐसे थोड़ी। हेलो गाइस, मम्मी का मुंह देखते हुए गाइस अभी ये ले जाके जा रही हूँ गिफ्ट, दिया ही नहीं था हेमा दीदी को जब से ऐसे ही रह गया था, तो अभी देख के आती हूँ उसे। आ भी रखे वो यहीं पर रुचि लोग के घर पे। ये इसका गिफ्ट है, इसकी एनिवर्सरी में दे नहीं पाई थी, बच्चों के हाथ छोड़ा था इसने। इसके बाद मेरा गिफ्ट आ रहा है पापा। अभी बात ही चल रही थी दीदी, मुझे ये दिखा। ये है सेट, ये मेरी जेठानी ने भेजा है इसके लिए। गिफ्ट कितना है? नो यार, 500 रुपए का। उसको निमंत्रण थोड़ी ना मिला था। मजबूत कप रहती है ये, हाँ फोड़ दे। 100 रुपए का एक होगा, 100 रुपए से भी महंगा होगा, थोड़ा भारी है। अच्छी होती है। रात के 11:06 बज चुका है। आज ऐसा सीन शॉट हुआ कि मैं और दीदी इस कमरे में बैठ रहे थे हमेशा की तरह। पापा आए, पापा बोले वो वाला मार्टिन जला देते हैं जिससे गैस आती है। पापा ने जलाया, जो भी है वो पापा ने जलाया। पापा बोले इसकी गैस उड़ जाएगी इसलिए मैं बाहर से दरवाजा बंद कर देता हूँ। उन्हें बाहर से कुंडी मार दी, वहाँ चले गए। अब वहाँ उन लोगों को लेटे लेटे नींद भी आ गई ना, उन लोगों ने हमें आवाज़ मारी ना हमारा दरवाज़ा खुला। तो अब हम यहीं पड़े पड़े थे मम्मी के डर से। मम्मी मुझे सुबह ना मारे, एडिटिंग भी करती है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मेरी मम्मी दीपा व्लॉग मिलते रहेगी आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले, बाय बाय।